वेलकम फ्रेंड, नमस्कार, राम राम, कैसे हो? मस्त हूँ, आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं भागवत नरू का यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के साथ साथ सभी प्रकार की वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, और शरीर स्वस्थ निरोग तभी रह सकता है जब हमारा परिवेश अच्छा हो, मनोरंजन हो, सभी प्रकार के साधन जरूरी है, और बीमार पड़कर इलाज कराने से अच्छा है कि बीमार हो या नहीं जाए। तीन पॉइंट बताऊंगा, एक स्कूल आ गया है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आ गया है सामने स्कूल के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल, और अभी चल रहा है ना स्लोगन स्वस्थ भारत और कस्तूरबा गांधी, और स्कूल के सामने आमने सामने तो सफाई है, और इनसे थोड़ा निकलते ही देख लेना कितनी सफाई है। ये देखिए, इस कस्तूरबा गांधी कौन थी पता है? महात्मा गांधी की वाइफ, पत्नी, और उनके गर्ल्स छात्रावास के पास देखिए कितनी सफाई है। ये किसकी जिम्मेवारी है? और ये कचरा अपने आप यहाँ नहीं आया है, कचरा यहाँ लाकर डाला जाता है, और ये कचरा डंपिंग स्टेशन है। रोड का इतने नज़दीक नहीं होना चाहिए, किसी तरह या किसी कारणों से बना दिया गया है, तो इसे अन्यत्र स्थापित किया जाए। रोड पर सुबह सुबह घूमने वाले क्यों आएंगे? गंदगी और बदबू से बीमार होने क्यों आएंगे? नहीं आते, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। ये देखिए, डंपिंग स्टैंड की दीवार है, और कितना कचरा फैला पड़ा है। और आगे एक और पॉइंट बताऊंगा, वो स्वास्थ्य से जुड़ा है। और देखिए, कचरा हटा पड़ा है, और पुराना नहीं है, नया भी डाला जा रहा है। ये थैलियाँ पड़ी देखो, और ये आ गया स्वास्थ्य से जुड़ा पॉइंट स्थान, अस्पताल। अस्पताल में बीमारियों का इलाज होता है बीमार पड़ने पर, और गंदगी में जाइए और बीमार हुई, अस्पताल के सामने ही जाइए और बीमार हो जाइए, देख लीजिए, बीमार भी होइए और इलाज कराते रहिए। ऐसा स्थान कहीं देखा आपने? ये है हमारे शहर में ऐसा स्थान, ज़रूर देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंदगी मत करिए, सड़कें साफ हो जाएगी। लड़ाई मत करिए, शांति हो जाएगी। पेड़ मत काटिए, हरा भरा वातावरण रहेगा। व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्थित रहिए। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन के साथ फॉलो करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।